पाकशाला किचन। आज की रेसिपी है ढोकला। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब हमारे इस वीडियो को जरूर करना और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें ना हम सूजी का उपयोग कर रहे हैं और ना बेसन का। इसे हम बनाना है हमें मूंग दाल से। तो मूंग दाल को तीन घंटे के आसपास हम पानी में फूलने के लिए छोड़ दिए थे। अब इसको हमें दरदरा से थोड़ा सा छिकना, ना ज़्यादा पतला पीसना है ना गाढ़ा पीसना है। बीज बराबर का मुझे लेना है पेस्ट। पेस्ट पीस लिए, देखिए जिसे बर्तन ट्रांसफर कर दिए इसको। इसमें एक चम्मच हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, इसको मैं डालूँगी, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम आधा से आधा हम हल्दी पाउडर डालेंगे। टेस्ट के लिए सूजी लिए हैं, चार चम्मच, छोटे चम्मच से चार चम्मच, बड़ी चम्मच से दो चम्मच डालना है। एक चम्मच हमें चाट मसाला डालना है और टेस्ट के अनुकूल हमें इसमें नमक डालना है। इसके बाद एक चम्मच हम चीनी डालेंगे, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है ढोकला का। इस सबको मिलाएंगे, हमारा पेस्ट थोड़ा सा रेस्ट करेगा। तो मैं 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दी थी। रेस्ट करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ती डाल दी हूँ और ये है इनो, आधा से आधा चम्मच हमें इनो डालना है। इनो का पानी डालकर इसे हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी एक दो चम्मच हम ऐड किए हैं बस। इसका सारे बर्तन मैं कटोरी बना रही हूँ, कटोरी छोटी छोटी कटोरी में इसमें घी लगी इस कर लिए थे और सबको हम डाल दिए थे। देखने में कितना सुंदर, ऊपर से मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, जिससे सुंदर लगेगा देखने में। तो ये देखिए हम कढ़ाई डाल दिए हैं पानी गर्म होने के लिए। इसके ऊपर हम छलनी डाल दिए हैं और इसी छलनी पर हमें बनाना है। छलनी पानी गर्म हो चुका है, मैं सारे ढोकले को इसमें डालकर एक थाली से इसको ढक दूँगी और इसके बाद 10 मिनट के बाद मैं इसे खोलूँगी। तो हमारा ये ढोकला तैयार हो चुका है, देखिए कितना फूला हुआ है। तो आप कोई भी चाकू डालकर इसके अंदर देख लीजिएगा, क्लीन है तो हम हो गया हुआ है, मेरा ढोकला तैयार है। मैं इसे प्लेटफॉर्म पर ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ। फिर मैं तड़का लगाऊंगी, इसके लिए पैन ली हूँ, सरसों का तेल ली हूँ, एक चम्मच हम मस्टर्ड सीड लिए हैं और 2-3 हरी मिर्च और 2-4 कड़ी पत्ता डालकर इसे पका लिए। उसके बाद हम 1 कप पानी इसमें डाल दिए हैं। फिर 2 चम्मच हमें चीनी इसमें डालना है और उसके आधा नींबू का रस। इसको उबाल आने के बाद हम इसको गैस से उतारेंगे। तो उबाल आ चुका है, तो ये देखिए हमारा तड़का तैयार हो गया है। सारे जो ढोकला को निकाल लेंगे आराम से और देखने में कितना सुंदर हुआ है देखिए, और खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। एक और आप ट्राई ज़रूर करना इसे मूंग दाल की ढोकला को, क्योंकि इसमें हमें तेल की मात्रा भी कम है और ये एकदम सिंपल तरीके से तैयार है, तो अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, शरीर के लिए भी फायदेमंद है। इसको हम सही सारे तरीका इसमें लगा रखेंगे इसको। फिर इसके बाद हम इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी हुआ है, देखने से तो सुंदर लग रहा है, खाने में तो लाजवाब है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, जैसे शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैं अगली वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।